शंकर सॉरी सर, हमसे जो हुआ कर दिया, मेरे बस का कुछ नहीं। अरे मैं भी इसके बाद जो है ना बेंच और पेपर पे लिख के दे, मेरे को ये रिक्वायरमेंट चाहिए। अभी कुछ मत बोलना सर, आपके हाथ में है क्या भाई? इधर आओ ना, बात तो कर लिया, यही बहुत है। पुलिस स्टेशन कर लिया, छोड़ने वाला जो है यार सर। ये फिल्म सबसे पहले मैं सुनील दुबे,
और ये फिल्म गैंग ऑफ सिवान एक्चुअली ये कुछ करप्शन के ऊपर बनी हुई फिल्म है, जिसमें मैंने इंस्पेक्टर का किरदार निभाया हुआ। इसमें कितना अपने किरदार से आपने लुत्फ लिया, मजा लिया? सर मुझे एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरी बचपन की ख्वाहिश भी थी इंस्पेक्टर बनना, और लगभग मैंने कोशिश की थी बट ड्यू टू सम रीज़न मैंने ड्रॉप किया, और अकॉर्डिंगली टू मैं बिजनेस ज्वाइन किया, उसके बाद एक्टिंग की शुरुआत की मैंने। क्या ये आपकी एक्टिंग की शुरुआत हो गई आपके नज़रिए से देखा? नहीं सर, इसके पहले भी मैंने 3-4 फिल्में किया हुआ है, जिसमें एक हमारा दबंग दमाद आता है, और मैं और वीना आनंद एज ए लीड करेक्टर में उसमें किया हुआ है। उसके पहले हिंदी फिल्म मैंने की है पार्थेश्वर की महिमा। सर किस तरह की इसकी आपको स्क्रिप्ट पसंद, कैसी लगी, यानी कहानी कैसी थी? सर कहानी एक्चुअली कैसा है कि मोस्टली एक देखा जाए इसमें कहानी तो करप्शन बेस्ड है, एक माफिया का खात्मा, यानी एक जैसे जो कैरेक्टर मुझे मिला है एज ए इंस्पेक्टर का, माफिया का इसमें इतना प्रकोप था उसे ख़त्म करने के लिए, फिर एक जो पुलिस वालों के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है यानी सीनियर्स का उनके, तो एक मतलब तो टोटली एक अगर देखा जाए तो टोटली डिफरेंट टाइप की फिल्म है ये कंपेयर टू ऑल फिल्म्स, और बहुत अच्छी फिल्म है ये। फिल्म के अंदर आप लोगों के साथ किस तरह का यानी कि बिहेव कर रहे हैं? जो किरदार होता है पुलिस वाले का, वो क्या आपका सत्य किरदार है कि असत्य किरदार है? नहीं सर, जो मैंने इसमें कैरेक्टर प्ले किया है वो रील और रियल दोनों अप्रॉक्स इक्वली इसमें किया है, उसमें कुछ उतना ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं है, जो मतलब आज की दुनिया में चल रहा है, आज के जो हमारे पैरामीटर्स में दिखे जा रहे हैं कि एक पुलिस के ऊपर कैसा प्रेशर आता है, और मतलब गलतियाँ एक तरह से देखिए मतलब पॉलिटिशियन दबाव होता है, तो इस टाइप का कैरेक्टर्स इसमें है। वर्दी का अपमान तो नहीं किया ना? नहीं ना सर, वर्दी का अपमान तो कोई नहीं करेगा, मैं अगर मैं रील में रहूँ चाहे रियल में रहूँ, वर्दी एक अलग ही रिस्पेक्टिव, वर्दी का कोई अपमान कर ही नहीं सकता, और बहुत सौभाग्य है कि वर्दी किसी को मिले। सर इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट आपका? सर जब भी नाम तो क्लियर नहीं है, राजू चौहान के ही डायरेक्शन में अगली फिल्म कर रहा हूँ, आई थिंक मई जून में ही कंप्लीट होने वाली है वो फिल्म। इसकी मेन लीड साहिल खान साहब कर रहे हैं, तो आप उनके साथ काम करके किस तरह की फीलिंग है आप? सर इसमें अपने अपने जगह पे दोनों लीडिंग हैं, वो एज ए मतलब थोड़ा सा निगेटिव और एक बोलते हैं ना मसीहा टाइप का उनका करेक्टर है, और उसमें एज ए मेरा इंस्पेक्टर टाइप का करेक्टर है, तो साहिल भी हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ काम करके अच्छा लगा, हमारी पूरी टीम अच्छी है। आप अपनी लाइफ में जीना चाहते थे, क्या वो एक्टर बन के जीना चाहते थे कि कुछ और सपना? नहीं सर, मेरा सपना तो एक अच्छा बिजनेसमैन, और साथ में मैंने एक्टिंग की शुरुआत की, और अब सोच रहे हैं कि हम एक्टिंग में ही अपना करियर बिजनेस को मेंटेन करते हुए करेंगे। इसमें इधर से जाएगी ना फिर भाग के, खाली टाइट पकड़ के रखिए, बैक टू टर्न। ओके कैसे जाएगा वो? हाइट लेने पड़ेगा, हाइट लेने को स्टेट खाली इतना रखिए। लिए नहीं? लिया नहीं? लिया लिया भैया, अगली फिल्म कर रहे हैं आप अगर जोर से ये टर्न। नमस्कार सभी चैनल के दर्शकों को, मेरा नमस्कार राजू चौहान का, मैं आपका डायरेक्टर राजू चौहान। सर ये फिल्म का शायद लास्ट शेड्यूल है जी, तो गैंग्स ऑफ सिवाना आपने लगभग कंप्लीट कर ली है, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे? ये फिल्म पूरी हो गई है, ये लास्ट डे था, और इस पिक्चर का प्रोड्यूसर मेरा भाई है राजू साहिल खान, और हीरो है, और दूसरे हीरो हैं सुनील दुबे जी, जो काफ़ी
अच्छे एक्टर कहलाएंगे आगे इस फिल्म के बाद में। दूसरे रवि किशन इस फिल्म में शायद कहलाएंगे सुनील दुबे, और बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक्शन के लिए बहुत अच्छे हैं। साहिल खान इस पिक्चर से एक नया हीरो भोजपुरी में पैदा होगा, और ये फिल्म एक ऐसे समाज को वो करेगी कि जो आतंकवाद के पीछे लोग भाग रहे हैं, आज यूथ जा रहा है पैसे का, जो सब चीज़ें होती हैं, गरीबी सबसे पर गरीबी जो है। आतंकवाद को हमने एक ऐसी चीज़ से जोड़ा है उनको कि जो आज की डेट में हर आदमी आम आदमी करता है, आम आदमी ही आतंकवादी है, आम आदमी ही वो करता है, क्योंकि उनकी समस्याएं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर नेता, हर पुलिस वाला, हर पॉलिटिक्स में आम आदमी को बोला जाता है, मगर ये चीज़ें कोई मानता नहीं है। खाली जनता को, जनता के लोगों को सब परेशान करने के लिए आम आदमी बोलते हैं। आम आदमी वाले ने दिल्ली में क्या किया है? सर, इसका कहने का मतलब आपका यह है कि आतंकवाद राजनीति पैदा करती है। आज जितने जहाँ भी पोस्टर उठा लीजिए, कहीं भी कोई भी बयान ले लीजिए आप, राजनीति राजनीति तो है ही ना। राजनीति, मुझे ये बताइए, जब राजनीति सीधे अच्छे नेता रहते थे तब आतंकवाद कहाँ नहीं था? कहीं था? राजनीति ही आतंकवादी बना सकती है, आम आदमी नहीं बना सकता है। तो इसमें आपकी फिल्म में क्या इतना खास है कि जो आतंकवाद और आम आदमी को दिखाया? नहीं, एक परिवार होता है जो जीना चाहता है, एक किसान है, एक गांव की कहानी है, और उसको राजनीति के ढंग से कैसे पुलिस और राजनीति उसको बैलेंस करती है, और उसको एक करेक्टर को, एक बंदे को, दो हीरो, एक हीरो है, इंस्पेक्टर है, एक डॉन बन जाता है, कैसे कैसे जोड़ा जाता है। और उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप आतंकवाद क्यों करते हैं, आतंकवाद क्यों कहलाए जाए? कोई भी आम आदमी, कोई भी आदमी आतंकवादी कहलाना नहीं चाहता है, मगर इस पिक्चर में जो भूमिका साहिल खान ने की है वो बहुत मायने रखने वाली है। अगर सोच करके देखा जाए, सोच के समझा जाए, तो उस चीज़ को बहुत तरीके से पॉजिटिव हो सकता है। नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। साहिल ने कई पिक्चर की है मेरे साथ में, पांच कमीने पूरी हो चुकी है वो भी है, और भी कई पिक्चरें की हैं उसने, भोजपुरी भी की है, चंपा चमेली की है, काफ़ी फिल्में करी हैं और कर रहा है, इसके बाद में भी कई फिल्में। इंट्रोड्यूस नहीं है उसकी, चौथी पाँचवीं पिक्चर है। साहिल खान साहब ने इसमें कैसा परफॉर्म किया? बहुत अच्छा किया, मैन हीरो है। जून जून में रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी का हमारे प्रोड्यूसर साहिल खान। और आगे क्या करने का इरादा है आपका? कुछ और इरादा क्या है? मेरे पांच छह प्रोजेक्ट हैं, अभी दो तीन प्रोजेक्ट हैं। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट में साहिल खान साहब हैं आपके साथ? जितने में वो चाहेगा, जितने प्रोजेक्ट में वो चाहेगा उसमें ले लूँगा, वो नहीं चाहेगा तो नहीं लूँगा। भाई भाई में भी भोजपुरी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी माताएं बहनें जो फिल्में देखना बंद कर दी हैं, इस फिल्म से देखना शुरू कर दें। आपने जो टाइटल रखा गैंग्स ऑफ सिवान, और भी तो रख सकते थे। नहीं, ये हमारे जो प्रोड्यूसर हैं साहिल खान साहब, उनकी दिल की इच्छा थी कि इस सब्जेक्ट को बनाया जाए, और सिवान के ऊपर एक वहाँ उस जिले के रहने वाले हैं वो, और अपनी माँ को, अपनी ज़मीन को, अपनी धरती माता को, अपने ज़िले को, सब आदमी अपने अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं, और वहाँ की रियल चीज़ें थी कुछ उसमें, तो वो हमने दिखाने की कोशिश की है, और इसलिए टाइटल थी। या फिल्म का जो स्क्रिप्ट था वो रियल था क्या? आपने चीज़ें नहीं रियल थी, चीज़ें नहीं थी। स्क्रिप्ट तो फिल्म वाली फिल्मों की जैसी होती है। कोई भी दुनिया में, कोई भी आज तक कोई डायरेक्टर, कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं बना जो रियल में फिल्म बना दे, रियल कहानी की। कोई भी डायरेक्टर फिल्म ही बनाएगा, फिल्म स्क्रिप्ट लिखेगा, कोई झूठ बोलते हैं लोग। कोई डायरेक्टर दुनिया में पैदा नहीं हुआ है रियल बना दे। सर, गाने किस तरह के हैं? गाने लव मसाले, मसाला है फुल। तो
मस्ती गाने हैं, आइटम हैं, लव है, कॉमेडी है, टेंशन्स हैं। हमने सुना है सर कि जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस हैं वो गुजराती हैं, तो वो स्त्री में वो काम कर रही हैं, तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम आया? नहीं, लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। वो पहले एल्बम करती थी, गुजरात में भी की हैं और भी भोजपुरी कर रही हैं, मगर मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। ये साहिल साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है, बस मेरे साथ में ये काम किया है, इतना ही जानता हूँ। ओके, थैंक यू। सबसे पहले आप लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ जो आज भोजपुरी चैनल जितने भी हैं और हर जगह फेमस है, और सबसे ज़्यादा फेमस है हमारा महुआ, जो देश विदेश से लेकर के इंडिया से लेकर हर जगह तक मैं उनको उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि भगवान उन लोगों को अच्छा एक वो दे कि चैनल हमारा सक्सेस रहे, हमारा बिहार जयकारा रहेगा और हमेशा रहेगा। जी, गैंग ऑफ सिवान, दरअसल मैं सिवान का ही रहने वाला हूँ और सिवान के होने के नाते हमारे सिवान में बहुत सारा करप्शन हुआ, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा नेतागिरी हुआ, हमारे लोगों को मजबूर किया गया इस आतंकवाद में घुसने के लिए, राजनीतिक सड़ी हुई राजनीति को लेकर के कुछ लोगों में लड़ाया गया। एक मजदूर परिवार जो जीना चाहता था, उस परिवार को करप्शन ने डुबोया और पूरे परिवार को उजाड़ दिया। उसी की कहानी है, एक गरीब किसान है। क्या ये रियल स्टोरी है साहिल साहब? जी सर, रियल स्टोरी ही होती है, कहीं ना कहीं तो कुछ मैच करता है, क्योंकि हम रियल तो दिखा नहीं सकते, बट ये है, कोशिश करते हैं। तो क्या ये राजनीति पे डिपेंड है? आपको लगता है कि राजनीति कहीं इसके फिल्म के साथ राजनीति में चली जाए? राजनीति की जहाँ तक सवाल है, फिल्म तो फिल्म होता है, हम हकीकत तो दिखा नहीं सकते, ना ही हकीकत बता सकते हैं, बस उजागर करने की कोशिश करते हैं। और दर्शक लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस फिल्म को ज़रूर देखें। इस फिल्म को देखने के बाद भोजपुरी में एक नयापन मिलेगा और एक अच्छी स्टोरी उनको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं जब भी राजनीति की बात आती है तो फिल्मों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, तो इस फिल्म के साथ तो ऐसा नहीं? नहीं नहीं नहीं, इस फिल्म के लिए हम नहीं बोल सकते कि, अब दर्शक के ऊपर है, दर्शक को कैसे पसंद आती है। जो एक गरीब परिवार, एक बाप अपने बेटे को पढ़ा लिखा के इंसान बनाना चाहता है, हमारी कानून से सताए हुए सारे गांव को नरसंहार किया जाता है इसमें, और एक छोटे बच्चे को अनाथ करके छोड़ दिया जाता है, वो बच्चा भटकता हुआ आतंकवाद की दुनिया में घुसता है, बट उसको एक सपोर्ट मिलता है जिसके ज़रिए लोगों की हमदर्दी, लोगों का मजबूरी उस चीज़ को समझता है। साहिल साहब, आपकी लगभग आज शूट जो है कंप्लीट है फिल्म का, तो आपके प्रोडक्शन टीम, आपके जो दोस्त और जो फिल्म में साथ रहे, आपके जिन्होंने सपोर्ट किया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आखिरी टाइम तक उन्होंने साथ दिया। हमारे कैमरामैन नंदू जी, डायरेक्टर साहब राजू चौहान जी, उन्होंने मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। और हमारे एक बहुत अच्छे मित्र और भाई भी है सुनील दुबे, जिनको मैंने इस फिल्म में अपने बड़े भाई के रूप में लिया उनको। और हमारी नायिका भी बहुत अच्छी है अजीता, जो अभी तक सपोर्ट कर रही है। नहीं, ये थोड़ी सी हटके है, इसलिए हटके है, अभी तक तो सब लोग ठाकुरों की कहानी दिखाते थे और एक परिवार, ये परिवार, वो मिलन, ये मिलन, गरीबों को हमदर्दी को जीतते हुए इस फिल्म को हमने बनाया है। अगर गाने की बात की जाए तो गाने किस तरह? गाने हमारे बहुत ही रोमांटिक, बहुत अच्छे हैं, हर तरह के गाने हैं जो दर्शक चाहते हैं कि हम सिनेमा घर को छोड़ के ना जाए। पता चलता है किसी की फिल्म चल रही है तो लोग बीच में उठ के चले जाते हैं, फिर उसके बाद से गाना ख़त्म होता, फिर आके बैठ जाते हैं, लेकिन मेरी फिल्म में
ऐसा नहीं होगा क्योंकि हर मसाला भरा पड़ा हुआ है। कब तक दर्शकों को देखने? बस एक महीने का टाइम दर्शकों को बोलूँगा इंतज़ार करने के लिए, और दर्शकों से यही गुजारिश करूँगा कि आए हमारी फिल्म देखें, उनको भी एक नयापन मिले। ये मेरे एक मित्र थे जो डांस मास्टर अर्जुन चौहान थे, डांस मास्टर अर्जुन चौहान थे, उन्होंने मुझे साहिल जी से जोड़ा, जिससे साहिल जी मुझे अच्छे से काम दे रहे हैं। उनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस पिक्चर में भी काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है मुझे बहुत पसंद आ रही है, गैंग ऑफ सिवान, जो मतलब एक अलग मूवी है, भोजपुरी से हटके है, जो अभी तक ऐसी मूवी बनी नहीं है। इसमें काम करते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मेरे मित्र साहिल खान जो मेन लीड के हीरो हैं, उनके साथ काम करते हुए मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे काम करते हुए बहुत प्यारा लग रहा है। इस मूवी में मैं जो काम कर रहा हूँ एक साइड रोल का है, पर वो रोल बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे चुन के वो रोल दिया है। नेक्स्ट फिल्म एक हिंदी है, उसका टाइटल अभी तक आया नहीं है, वो भी साहिल खान के साथ ही है, जल्दी से चालू हो जाएगी, ये अगले महीने में ही जल्द से जल्द चालू हो जाएगी। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस यही बोलना चाहूँगी कि अच्छी है, अच्छा लगा, और हमारे डायरेक्टर जी के साथ भी काम करके अच्छा लगा, थोड़ा मतलब गुजराती से थोड़ा अलग था। ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस है, आपने गुजराती में काम किया हुआ है, लेकिन भोजपुरी के अंदर एक नया आपके मामले। ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक था, अच्छा था। भोजपुरी में आपको नया एक्सपीरियंस मिला होगा, तो उसके बारे में कुछ तो शेयर करें। ठीक था। गाने किस तरह के हैं? गाने अच्छे हैं, मैं एक ही गाने की हूँ तो वो अच्छा था। मेरा भोजपुरी में अच्छा रहा, कोशिश करूँगी इससे भी अच्छा कर सकूँ। गुजराती फिल्म से अच्छा एक्सपीरियंस था आपका एल्बम जो आपने गुजराती लैंग्वेज में की? ठीक था। बदलाव है भोजपुरी और गुजराती? ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। आगे भी भोजपुरी में प्रोजेक्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहूँगी। एक्चुअली मैं गुजराती हो या भोजपुरी हो या हिंदी हो, मैं सब में काम करना चाहती हूँ। इस फिल्म से कितनी उम्मीद है? फिलहाल तो बहुत सारी है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा काम करना है तो उम्मीद तो ज़्यादा ही होगी। अभी इसका कोई प्रोजेक्ट है आपके पास? जी हाँ, ऐसा मेरी एक गुजराती मूवी है जो 5 तारीख से फ्लोर पर जा रही है। ठीक है, मेरी आने वाली फिल्म गैंग ऑफ सिवान जो है, जिसमें मैं साहिल खान के साथ लीड कैरेक्टर में कर रही हूँ, तो मैं दर्शकों ऑडियंस से यही बोलना चाहूँगी कि हमारी फिल्म जरूर देखना चाहें, और उनका सपोर्ट होगा तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। उसके लिए धन्यवाद।